दक्षिण पश्चिम जिला की AATS की टीम ने पालम इलाके में घरों की बाहर से पानी की मोटर, कार बैटरी, AC पाइप, मोटरसाइकिल साइलेंसर और मोबाइल चोरी करने वाले मोगली गैंग के एक शातिर चोर को चोरी का सामान खरीदने वाले रिसीवर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही लूट, सेंधमारी, स्नैचिंग, हत्या का प्रयास, साधारण चोट और चोरी के 42 मामले दर्ज हैं। आरोपी की पहचान मुनिरका निवासी 25 वर्षीय संदीप कुमार मंडल उर्फ कालू बादशाह के रूप में हुई है। आरोपी संदीप कुमार मंडल ने पालम इलाके में ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी थी। आरोपी को दबोचने के लिए स्थानीय पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन शातिर चोर लगातार पुलिस को चकमा देकर लूट, सेंधमारी, स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। DCP दक्षिण पश्चिम जिला गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी को दबोचने और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम जिला AATS को जिम्मेवारी सौंपी गई। ACP ऑपरेशन अभिनेन्द्र जैन की सुपरविजन व AATS इंस्पेक्टर राजेश मालिक के नेतृत्व में SI रविंदर कुमार, SI देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल आकाश और कांस्टेबल नरेंद्र की एक टीम बनाई गई। AATS टीम ने आरोपी को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया, वारदात स्थलों के आसपास लगे CCTV फुटेजों को बारीकी से जांचा। टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस की मदद से जांच टीम को आरोपी के बारे में कुछ इनपुट मिले। 29 अक्टूबर को जांच टीम के कांस्टेबल नरेंद्र को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी संदीप कुमार मंडल उर्फ बादशाह पालम इलाके में चोरी की पानी की मोटरें और चोरी किए हुए मोबाइल फोन बेचने आएगा। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस टीम ने पालम इलाके में अपना जाल बिछाया और चोरी का सामान बेचने आते समय संदीप कुमार मंडल को चोरी के 4 मोबाइल और चोरी की हुई पानी की एक मोटर के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले साध नगर निवासी परवेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से चोरी की हुई 4 पानी की मोटरें, 4 मोबाइल फोन, 2 कार की बैटरी, 4 AC पाइप और एक मोटरसाइकिल साइलेंसर बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से 10 मामले सुलझ गए हैं और साथ ही 9 मामलों में रिकवरी भी कर ली गई है। आरोपी संदीप कुमार मंडल उर्फ बादशाह बेरोजगार, नशा करने वाला, आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ पहले से ही 42 आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी संदीप कुमार मंडल हैबिटुअल क्रिमिनल है और स्नैचिंग, सेंधमारी, गाड़ी चोरी, पिक पॉकेटिंग और डकैती आदि वारदातों को अंजाम देता रहता है। आरोपी हाल ही में 25 अगस्त 2021 को जेल से रिहा होकर आया था और जेल से छूटते ही फिर से वारदातों को अंजाम देने लग गया था। आरोपी मोगली गैंग का शातिर अपराधी है। चोरी का सामान खरीदने वाला आरोपी मोहम्मद परवेज अनपढ़ है और नसीरपुर नाला पालम में कबाड़ी की दुकान चलाता है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वो आरोपी संदीप कुमार मंडल उर्फ बादशाह से चोरी का सामान सस्ते दामों पर खरीदने लगा और आगे उन सामानों को लाभ मार्जिन के साथ ग्राहकों को बेचता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।